कुछ लोगों का कहना है कि भारत में आज भी कई ऐसी इमारतें और खंडहर हैं जो भूतिया हैं, जहां से डरावनी आवाजें आती हैं। कोई कहता है ये जगह शापित है, जो कोई भी यहां जाता है वो जिंदा नहीं बचता। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इन जगहों पर आत्माओं का काला साया है, जो यहां किसी को भी भटकने नहीं देती। अगर कोई गलती से चला जाए तो फिर उसकी खैर नहीं। डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के कुर्सियोंग में है डाउ हिल। कुर्सियोंग दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर है। ये हिल स्टेशन हरे भरे जंगलों के बीच बना है। इसकी ऊंचाई 4,864 फीट है। स्थानीय भाषा में कुर्सियोंग को खरसांग कहते हैं, जिसका मतलब है सफेद ऑर्किड की भूमि। वैसे तो ये जगह खास तौर से अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और बोर्डिंग स्कूल के लिए फेमस है, लेकिन कुर्सियोंग से सटी डाउ हिल काफी मिस्टीरियस है। यही वजह है कि डाउ हिल भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डाउ हिल के जंगलों में आए दिन जान देने की खबरें सामने आती रहती हैं। वो भी एक दो नहीं, बड़ी संख्या में यहाँ जान देने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इसका अंदाजा यहाँ मिलने वाली इंसानी शरीर और हड्डियों से लगा सकते हैं। इसी के चलते यहाँ अजीब डरावनी आवाजें महसूस की जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की अजीब आहट सी सुनाई देती है और देखने पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात है कि ये जगह भूतिया हो या ना हो, लेकिन डरावनी बहुत है। यहाँ का वातावरण भी इसे भूतिया करार देता है। थ्री किंग्स चर्च इन गोवा। गोवा में एक ऐसा चर्च है जहाँ तीन पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है, और कई बार लोग इसका एहसास भी कर चुके हैं। इस भूतिया चर्च का नाम है थ्री किंग्स चर्च। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक समय पर यहाँ तीन पुर्तगाली राजाओं का शासन था। अक्सर तीनों में अपने वर्चस्व को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इसके चलते एक दिन होलगेर नाम के राजा ने बाकी दो राजा को इस चर्च में दावत के लिए आमंत्रित किया और धोखे से खाने में जहर खिला दिया, जिससे दोनों राजाओं की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही लोगों को इस घटना की भनक लगी तो उन्होंने चर्च को घेर लिया। जनता के बढ़ते गुस्से, आक्रामक रवैये को देखकर तीसरे राजा यानी होलगेर ने जान दे दी। बाद में तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही कहा जाने लगा कि आज भी यहाँ इन राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। तभी से ये चर्च एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। पिसावा के जंगल। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसा इलाका है जहाँ जाने से लोग बचते हैं। कोई भी यहाँ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। दरअसल यहाँ के पिसावा नामक गांव के आसपास कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। ये गांव एक जंगल के बीच है जहाँ घने पेड़ पौधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई भयानक जानवर भी रहते हैं। कहा जाता है कि इस घने जंगल में जो भी जाता है वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। दरअसल उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे दिमागी रूप से पागल कर देती हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस जंगल से कोई भी लकड़ी काटकर नहीं ले जा सकता। अगर गलती से कोई ऐसा करता है तो वो अनहोनी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा यहाँ कई खंडहर भी हैं जो वीरान हैं। डर की वजह से कोई यहाँ भटकने की कोशिश तक नहीं करता। कुलधरा गांव, जैसलमेर। जैसलमेर का कुलधरा गांव हॉन्टेड विलेज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये गांव शापित है। करीब 170 साल से ये गांव वीरान पड़ा है। आसपास के लोगों का कहना है कभी यहां पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। एक बार की बात है, यहां के लोग अपनी बहन बेटियों को अय्याश दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए गांव को खाली कर कहीं और चले गए। जाते जाते उन्होंने शाप दिया कि यहां फिर से कभी कोई नहीं बस पाएगा। बस तब से ये गांव वीरान पड़ा है। कहते हैं कि अब यहां आत्माओं का वास है, यहां कोई नहीं रहता। आसपास के लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। ऐसा महसूस होता है कि कोई चहलकदमी कर रहा है। औरतों की चूड़िया और पायल की आवाजें यहां सुनाई देती हैं, जो इस इलाके को और ज्यादा भयानक डरावना बनाती हैं। हॉन्टेड प्लेस के चलते प्रशासन ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया, जिसे पार कर दिन में तो आप यहां घूमने जा सकते हैं, लेकिन रात में इसे पार कर घूमने की हिम्मत कोई नहीं करता। मेरठ का भूत बंगला।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा बंगला है जिसे लोग भूत बंगले के नाम से जानते हैं। ये बंगला मेरठ के माल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के पास है। बताते हैं कि 1947 के बाद से यहाँ कोई नहीं रहता, ये एकदम वीरान पड़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, इसलिए किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जमाली कमाली मस्जिद, ये मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में है, जहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली की कब्रें हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ जिन का बसेरा है। कई लोग यहाँ डरावना अनुभव भी कर चुके हैं। बड़ोंग सुरंग नंबर 33, हिमाचल प्रदेश। बड़ोंग सुरंग का निर्माण एक अंग्रेज इंजीनियर बड़ोंग ने करवाया था, इसलिए इसका नाम बड़ोंग सुरंग पड़ गया। आज के समय में ये सुरंग हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में शामिल है। दरअसल इसके पीछे एक दुख भरी कहानी है। बड़ोंग ने सुरंग को एक ओर से नहीं बल्कि दोनों ओर से बनवाना शुरू किया। उनका अंदाजा था कि वो इस तरह जल्दी काम निपटा लेंगे और दोनों छोर भी आपस में मिल जाएंगे, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला और वो छोर को नहीं मिला पाए। इसके चलते उन पर एक रुपए का फाइन लगाया गया। वो इस घटना से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि आज भी इस सुरंग में उनकी रूह भटकती है। कभी कभी तो यहाँ रोने और सिसकने की डरावनी आवाजें भी सुनाई देती हैं। अग्रसेन की बावड़ी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। दिल्ली के कनॉट प्लेस से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है अग्रसेन की बावड़ी। महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। ये प्राचीन स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अंडर आता है। हालांकि अब यहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन कभी यहाँ पानी हुआ करता था। बावड़ी पानी से भरी रहती थी। इसके तल तक पहुँचने के लिए 106 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। कहते हैं कि इसका काला पानी लोगों को अपनी ओर इस कदर आकर्षित करता था कि लोग इसमें कूदकर अपनी जान दे देते थे। भानगढ़ का किला। भानगढ़ किला इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में है। कुछ लोग तो इसे भूतों का भानगढ़ भी कहते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ एक हस्ती खेलती जगह था, लेकिन ना जाने किसकी नजर लगी कि अब यहाँ लोग जाने से भी घबराते हैं। यहाँ एक सुंदर राजकुमारी ने जन्म लिया था जिसका नाम था रत्नावती। जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसकी खूबसूरती और बढ़ती गई। जब इस बात की जानकारी एक तांत्रिक को लगी, उसने राजकुमारी को पाने की ठान ली। राजकुमारी को पाने की लालसा में तांत्रिक ने काफी जादू टोने किए, लेकिन सफल न हो सका। एक दिन वो खुद ही अपने काले जादू का शिकार होकर मर गया। मरने से पहले उसने भानगढ़ को बर्बादी का श्राप दे डाला। इस घटना के कुछ समय बाद ही एक युद्ध में राजकुमारी समेत भानगढ़ में रहने वाले सारे लोग मारे गए और तभी से भानगढ़ वीरान और सुनसान हो गया। कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों की आत्मा किले में भटकती रहती है। तांत्रिक के श्राप की वजह से उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। वर्तमान में ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन है और सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। किले में घूमने आने वाले पर्यटकों को अंधेरा होने से पहले चले जाने को कह दिया जाता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा किले में भटकती है। अगर कोई यहाँ रुकने की कोशिश करता है तो या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। शनिवारवाड़ा किला, पुणे। शनिवारवाड़ा किले में हमेशा बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि एक समय पर यहाँ पेशवाओं का शासन हुआ करता था। जब उत्तराधिकारी का चुनाव होना था तो नारायण नामक बालक को चुना गया, क्योंकि उसके अलावा कोई और उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन कुछ लोग इस नाम से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने बालक की हत्या की साजिश रची। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन हत्यारों ने उसे ढूंढ निकाला और बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। वो जान बचाने के लिए आवाज लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ से गुजरने पर कई बार किसी बालक के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं। रात में ये किला और भी डरावना लगने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।